हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टी वाई बैफ एफ एस 6 2023 के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव्स। इसके पहले 2019 एंड 2022 के वीडियो भी हम लोग बना चुके हैं, ठीक है? तो वो वीडियो भी देखना, ये वीडियो देखने से पहले ऊपर नीचे भी देख सकते हो, बट तीनों वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो 15 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आता है, यू नो वेरी वेल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। एमसीक्यू पूछा था, हर बार मैं बोलता हूँ एनी एट बोला है, बट पूरा 10 का 10 लिख देना, जो राइट होगा उसका मार्क्स मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या पूछा था देखो। क्रेडिट बैलेंसेस इन ओवरड्राफ्ट आर शोन बाय अ बैंक एज डिमांड डिपॉजिट्स इज द राइट आंसर। नंबर टू, एवरी बैंकिंग कंपनी मस्ट सबमिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट टुगेदर विथ ऑडिटर्स रिपोर्ट इन कितना कॉपीज। सो 3 कॉपीज इज द राइट आंसर। 3 कॉपीज की जगह पे ट्रिप्लीकेट वर्ड भी आ सकता है, ध्यान में रखना, 3 कॉपीज ट्रिप्लीकेट। प्रीमियम्स रिसीव्ड इन एडवांस इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी अंडर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है? प्रीमियम्स रिसीव्ड इन एडवांस, एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस इज योर लाइबिलिटी, ठीक है? आगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एकदम फालतू, बी पी एल, ध्यान में रखना, पी एल पी एल सब सेम दिख रहा है, ए बी सी डी एकदम कॉमेडी ऑप्शन देखे रखा है। सो बी पी एल ये ध्यान में रखना, 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी ये पूछा था। नंबर 5, ओन फंड्स एक्सक्लूड्स। अरे भाई 22 के क्वेश्चन का छाप रहे सेम टू सेम। एक्सक्लूड्स मतलब क्या नहीं आने वाला है, तो क्या नहीं आने वाला है इसमें, रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। पेड अप कैपिटल आता है, फ्री रिजर्व आता है, फोरफिटेड शेयर्स बैलेंस भी आता है। सिर्फ ये डी पॉइंट, रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट आने वाला नहीं है, एक्सक्लूड का मतलब, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अगले 5 डिस्कस कर लेते हैं, 6 7 8 9 10। देखो पहला, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विथ, तो किसके साथ रजिस्टर्ड करना होगा, सेबी, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, ओके, इन स्टॉक मार्केट। नंबर 7, इन एन एल एल पी वन पार्टनर डैश फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस, मतलब एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आंसर आएगा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल। ओके, मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पार्टनर डूब गया उसके करतूत की वजह से तो बाकी सबको डूबना पड़ता है, बट एल एल पी में ऐसा नहीं होता, एक पार्टनर ने गलती किया तो उसका जो भी परिणाम है वो बाकी के पार्टनर्स के ऊपर होने वाला नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर। फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ओनली डैश एसेट्स इज कंसिडर, कौन सा एसेट कंसिडर किया जाता है, तो ट्रेडिंग एसेट, नॉन ट्रेडिंग हम लोग नहीं लेते, ट्रेडिंग लेते हैं, ठीक है? डैश वैल्यू ऑफ शेयर्स डिपेंड्स ऑन नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, सो दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, ध्यान में रखना, ठीक है? उसके बाद एल एल पी हैज, अभी 2022 के क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, परपेचुअल सक्सेशन होता है एलएलपी का, एलएलपी कभी बंद होने वाला नहीं है, ठीक है? चलो, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया एमसीक्यू, आगे देखते हैं ट्रू और फॉल्स। ओके, एलएलपी इज कन्वीनियंट फॉर प्रोफेशनल, ट्रू है, 2022 में भी आया था। यील्ड वैल्यू डिपेंड्स ऑन अर्निंग ऑफ द कंपनी, इसका भी ट्रू आएगा, सेकेंड का। एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ओवर एवरेज प्रॉफिट इज टर्म्ड एज सुपर प्रॉफिट, सो दिस इज फॉल्स, ये उल्टा है। ओके, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट आता तो इसका आंसर ट्रू आता, ठीक है? बट अभी इसका आंसर फॉल्स आएगा, जब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है तो उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, नंबर 4, लोकेशन ऑफ कस्टमर इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच एफेक्ट्स गुडविल, फॉल्स आएगा। कस्टमर के लोकेशन का गुडविल के ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, एनबीएफसी मींस नॉन बैंकिंग फंडिंग कंपनी, फंडिंग नहीं है भाई, फाइनेंस है, तो दिस इज फॉल्स, ये फंडिंग नहीं आएगा, इधर आना चाहिए फाइनेंस, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, एवरेज क्लॉज इज इंट्रोड्यूस टू डिस्करेज ओवर इंश्योरेंस, सो दिस इज ट्रू। ओवर इंश्योरेंस मतलब ज्यादा इंश्योरेंस नहीं निकालने का, जितना प्रॉपर्टी है उतना ही इंश्योरेंस निकालो, ठीक है? इसके लिए एवरेज क्लॉज लोगों ने बनाया, लोगों ने मतलब जो अथॉरिटी है उन्होंने। री इंश्योरेंस इज डन व्हेन द रिस्क इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट मैटर
इज वेरी हैवी, सो दिस इज ट्रू। री इंश्योरेंस निकालते हैं कंपनी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इट इज लोवेस्ट, सो दिस इज फॉल्स। एफडी के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, ठीक है। बैंकिंग कैन कैरी बिजनेस विदाउट अ लाइसेंस इशूड बाय आरबीआई, सो दिस इज फॉल्स। तो जब तक आरबीआई से लाइसेंस नहीं मिलता तब तक वो बिजनेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लाइसेंस इज इंपॉर्टेंट। एलएलपी एग्रीमेंट मस्ट स्पेसिफाई द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया 2023 का ट्रू और फॉल्स। ऐसा ही वीडियो मैंने 19 के लिए बनाया और 22 के लिए भी बनाया, तो वो वीडियोस भी देख लेना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 में से अगर आपको 10 मिला, 12 मिला, 15 का 15 भी मिल गया तो आपको पासिंग में हेल्प करेगा, बिकॉज FA6 इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर TYBF। तो ऑब्जेक्टिव और थ्योरी के हेल्प से आप आराम से पास हो सकते हो। इसको इसके लिए ऑब्जेक्टिव को इग्नोर मत करो। ये जो वीडियोस बनाए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि आप वो लोग भी आराम से पास हो सके। एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवेश्वर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।